हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ये बायोटेक एडवांस्ड आयुर्वेदा हेयर मास्क के बारे में, जो कि है मस्क रूट फ्रेश ग्रोथ नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक। और ये आपके हेयर की ग्रोथ के लिए स्पेशली डिज़ाइन हेयर पैक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो वॉच द फुल वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस बायोटिक पैक के बारे में। एंड यू नो, बायोटिक एक आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट है और मैं इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बायोटिक ब्रांड के, जो कि मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले नायका हॉल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने ये मास्क परचेज़ किया है और इसका रिव्यू देने के लिए बोला था। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है मस्क रूट फ्रेश ग्रोथ नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक। और ये हेयर ग्रोथ के लिए पैक है स्पेशली, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंशन किया गया है। और मस्क रूट जो है वो स्पेशली एक हर्ब होती है जो हेयर ग्रोथ के लिए काम आती है, हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ की जाती है प्रोडक्ट्स में, हेयर केयर प्रोडक्ट्स में। और ये जो हेयर पैक है, इसको आप या तो एग में मिला के या फिर दही में मिलाकर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर पर। और अभी मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये पैक जो है ये अंदर से ये इस तरह की कंटेनर साइज़ में आपको ये पैक मिल रहा है। और अंदर से ये कुछ इस तरह का है, ब्लैकिश मर्ड टाइप का ये पैक है। स्मेल भी इसकी थोड़ी जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में से स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी ही स्मेल फ्रेग्रेंस इसकी है। और मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको दही के साथ मिक्स करके। तो चलिए इसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं कि आपको इनको किस तरह से मिक्सअप करना है। सो गाइस, मैंने एक बॉल ले लिया है और ये दही है और ये हेयर मास्क है। और अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दही। इसकी जो क्वांटिटी है, इस हेयर मास्क जो हम बनाने वाले हैं उसकी क्वांटिटी आपको अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से रखनी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच दही। दही वैसे भी आप सब जानते होंगे कि दही एक बहुत अच्छा कंडीशनर की तरह वर्क करता है हमारे हेयर पर। ये हमारे हेयर की डैंड्रफ प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, हमारे अगर ड्राई हेयर्स हैं तो उनको सॉफ्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें डाल दिए हैं दही। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये हेयर मास्क। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टाइट है ये, इसको आपको अच्छे से मिक्स करना होगा, तब जाके ये पूरा दही के अंदर जो है मिक्स होगा। और मास्क के मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं अभी, इनको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा मिक्स करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ ये जो मास्क है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जो मास्क है इसको आपको अपनी स्कैल्प पर लगाना है, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के लिए है और जो हमारी हेयर ग्रोथ है वो होती है हमारी रूट्स से। तो मेनली आपको इसको अपनी रूट्स पर अप्लाई करना है। इस तरह का ये मास्क जो है, ये मिक्सचर जो है आपका तैयार होगा। सो गाइस, ये हमारा जो हेयर मास्क है वो रेडी हो चुका है अप्लाई करने के लिए। तो अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है अपने हेयर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मेनली आपको अपनी रूट्स पर अप्लाई करना है। तो पार्टीशन करेंगे हम, सेंटर पार्टीशन कर लेती हूँ मैं। और मैं इसको अपनी फिंगर टिप से ही अप्लाई कर रही हूँ, इससे अच्छे से अप्लाई हो जाता है। बिकॉज़ इसमें कलर तो नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसा भी नहीं है कि फिंगर्स पे कलर आ जाएगा जैसे कि मेहंदी लगाने से आता है। नॉर्मल हेयर पैक है, इसको अपनी फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको अपनी रूट्स पर अप्लाई कर रही हूँ।
बाद में मैं इसको अपनी लेंथ पर अप्लाई करूंगी। काफ़ी ठंडा लग रहा है अभी दही की वजह से। एंड हाँ, मेक श्योर कि आपके बाल ड्राई हों, ऑयल ना लगा हो अगर आप ये मास्क अप्लाई कर रहे हैं तो, ऐसा इस पर मेंशन भी किया गया है। इस तरह से आपको पार्टीशन करते हुए रूट्स में इसको अप्लाई कर लेना है अच्छे से। और अभी इसको बैक साइड से भी इसी तरह से पार्टीशन करके अप्लाई कर लेंगे। गाइज, अभी मैंने इसको रूट्स पे अप्लाई कर लिया है और अभी मैं इसको अपनी लेंथ पर अप्लाई करूंगी। अप्लाई हो चुका है ये मेरे पूरे हेयर में। टिप्स पर भी इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। और अभी हम अपने हेयर्स को टाई अप कर लेंगे। और इस पैक को आपको 30 टू 40 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। इसको मैं टाई अप कर लेती हूँ क्लचर से। एंड आई एम डन। सो गाइस, हेयर मास्क हमारा अप्लाई हो चुका है। पूरे हेयर्स में मैंने इसको अप्लाई किया है। तो अभी मेरे हाथ भी आप देख सकते हैं कि सारे गंदे हो चुके हैं। तो अभी मैं 30 टू 40 मिनट्स के बाद अपने हेयर को वॉश कर लूँगी। और आपको नॉर्मली जैसे आप शैम्पू से वॉश करते हैं उसी तरह से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो पहले आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए ताकि ये जो मास्क है सारा निकल जाए, और उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। उसके बाद आप कंडीशनर भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सो गाइज, आई वॉश माई हेयर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हेयर मास्क। और इसको अप्लाई किस तरह से करना है वो भी आप सब देख चुके हैं। तो गाइज, और येस, इस हेयर मास्क को आप 10 टू 15 डेज में एक बार अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे भी आपको सही लगे, अकॉर्डिंग टू योर हेयर नीड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एंड येस, इसका जो प्राइज़ है वो है
230, और ये 230 ग्राम्स इसकी जो क्वांटिटी है। मैंने हेड वॉश कर लिया है और ड्राई भी कर लिया अपने हेयर, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और वॉल्यूमिनस लग रहे हैं मेरे हेयर। तो ये जो हेयर मास्क है, ये ना ही सिर्फ हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, बल्कि अगर आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, ये उसको भी कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और मेरे को ये हेयर मास्क बहुत पसंद है, और मैं आज इसको सेकेंड टाइम यूज़ किया है, एंड आई लाइक इट सो मच। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये आपके बजट में भी है, इतने लो प्राइस में आपको इतना अच्छा हेयर मास्क मिल रहा है। और तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।